पिछड़ा सामाजिक न्याय कमेटी की रिपोर्ट को तत्काल प्रभाव से कैबिनेट से स्वीकृत करार लागू कराने के लिए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का प्रदेश व्यापी कार्मिक अनशन नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। पार्टी के पदाधिकारियों का कहना है कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को संसद में पारित किया जाए, जिससे आरक्षण का लाभ उन सभी जातियों को मिल सके जिन्हें आज तक आरक्षण नहीं मिला है, इसलिए ये धरना किया जा रहा है। इस अवसर पर कार्मिक अनशन में जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, पवन राजभर, अभिषेक चंद्र, उषा देवी, गुलाब राजभर, पन्नेलाल राजभर, इंद्रेश राजभर सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए अभिषेक चंद ने कहा, अभिषेक चंद, पिपराइच विधानसभा प्रभारी, मंडल उपाध्यक्ष। तो फिलहाल कोई अभी ऊपर से कोई हम लोगों को रिपोर्ट नहीं आई है। फिलहाल ये अनवरत 29 तक चलेगा और आगे जैसा होगा हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो आदेश करेंगे उसके बाद किया जाएगा। क्या है मुख्य मांग? मुख्य मांग जो है ये है कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करें, जो संसद में इसको पारित करें, जिसमें कि 27% आरक्षण का वर्गीकरण 3 भागों में किया जाना है, पिछड़ा, पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा। ये कैबिनेट में पास कराने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। ये इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आरक्षण का लाभ बहुत सी ऐसी जातियाँ हैं जिनको आज तक नहीं मिल पाया है, जिनको आरक्षण का लाभ मिले, जिनके बेटा बेटी को भी नौकरी मिले, इसलिए धरना कर रहे हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में।